Chinnabiatu in Hansanka Sanjurinza Reng Reng Thailo. So as you know, मेरी मिजो बहुत ही बेकार है, तो मुझे यहाँ पे एक वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड मिली जिसकी मिजो हिंदी और इंग्लिश तीनों ही अच्छी है. तो मैं उससे मिलवाता हूँ आपको और फिर हम एक्सप्लोर करते हैं अ रियल मिजोरम. Tibai passengers, Tibai. Vai na hian rin pui kan ya cha he ka chat pa he ka guide ka guide vel do na chuan vai na kho vela family lian ber zai ona kan mu do na ni ku zai ona te chung kwa ka to. Excuse me. What? Hi. Hi. What's up? Hindi please. Could you please speak in Hindi? Hindi to only thoda thoda na. Thoda thoda. So okay. Difficult. Then I'll say in English. Yes, English, Hindi, okay. Thoda thoda, lekin my passengers know the Hindi and English, not Mizo. Namaste passengers. Namaste. Okay, so, namaste. Do you know Mizo? Yeah, thoda thoda, like little bit phrases like ida ma'am. Dame. Oh, dame. Kaduche. Oi, kipo kaduche. Yeah, today we are going to see the world's largest family. World's largest family. His name is I think Zion China. Zion. So Zion China, हम जाएंगे अभी देखने के लिए उनकी फैमिली जो कि यहाँ से लगभग आइजोल से 70 किलोमीटर फार अवे है. और गांव का नाम क्या है? विलेज नहीं, बाकतोंग. हाँ, तो बाकतोंग गांव हम लोग आज जाते हैं और देखते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली जिसकी जिनकी है 39 वाइव्स एंड 94 चिल्ड्रन. हाउ कैन ही मैनेज ऑल दिस वाइव्स? एग्जैक्टली राइट. My father can barely handle my mother. Of course. So let's explore Bakhtong village and welcome to Mizoram. 3 घंटे लगने वाले हैं वहाँ पहुँचने के लिए और हमारे पास ये स्कूटी है और तकरीबन माउंटेन्स में गाड़ी चलाना हिली एरिया है तो 70 किलोमीटर में भी 2-3 घंटे तो लगेंगे आराम से. Alright, we are ready. हेलमेट लगा लिया मैंने. So here we go. You? Can I trust you? Maybe. Okay. So. Be careful. अभी 22 किलोमीटर और बचा हुआ है बाकतोंग पहुंचने के लिए. बट जो रोड है वो बहुत ही ऑसम है. जो व्यू आपको देखने को मिलेंगे ना, इट्स मैजेस्टिक. तो अभी 2.8 किलोमीटर और बचा है बाकतोंग विलेज के लिए. तो ये है खुमतुंग. रुनपुई यहाँ लगा दूँ गाड़ी यहाँ पे. फाइनली आई हैव अराइव्ड बाकतोंग विलेज. तो यहाँ आने के लिए मुझे आइजोल से 3 घंटे लगे और ये जो घर आप देख रहे हो ना, ये है कपू जायोन का घर. कपू जायोन और शुड आई से सर जायोन, जो कि लार्जेस्ट जो कि लार्जेस्ट फैमिली है इन द वर्ल्ड. तो भाई अभी अंदर मैंने पूरा घर देखा. ऊपर जाना अलाउ नहीं है और वीडियोग्राफी अंदर अलाउ नहीं है, तो जस्ट सिर्फ जो हॉल है वो हम देख सकते हैं. वो एक्चुअली हॉल में ही डाइनिंग एरिया है, तो बहुत सारे डाइनिंग टेबल्स लगे हुए थे, चेयर्स थी. और जायोना कहूँ या सर जायोना, क्योंकि 39 वाइव्स, 94 चिल्ड्रन, 14 डॉटर इन लॉ एंड 33 ग्रैंड किड्स. आई वंडर के मैनेज कैसे करते होंगे ये सब चीज़ें. और टोटल 193 पीपल लिव इन दिस हाउस. सो दे डू बिजनेसेस, यहाँ इस घर पे रहते हैं और दे मैनेज ऑल द थिंग्स
जो वाइफ्स हैं, जो वुमेन्स हैं, वो हाउस होल्ड घर के काम करती हैं, और बाहर जो है इनके बिजनेसेस हैं, लाइक फार्म्स हैं, फार्म्स में काम करना, एंड जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो स्कूल आज भी जाते हैं. बट या दैट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और अंदर मुझे हॉस्पिटैलिटी भी काफ़ी अच्छी दी इनने प्रोवाइड की, क्योंकि दे ऑफर मी फॉर टी. और अनफॉर्चुनेटली सरजोयाना इज़ नो मोर. 2 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है. इनके बारे में कहें तो जो इनकी पहली शादी थी, जो हुई थी 1959 में, जब ये 15 साल के थे, और जो लास्ट शादी हुई थी 39, जो इनकी वाइफ थी, वो शादी हुई थी इनकी 2004 में. कि आज भी इनका किचन एक है, सब लोग 193 पीपल मिल के साथ में डिनर करते हैं, और जो वाइफ्स हैं और जो वुमेन्स हैं वो सब मिल के खाना बनाती हैं, और लंच और डिनर ये लोग साथ में करते हैं. तो इमेजिन के जब इलेक्शन आते होंगे तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ इसी घर को टारगेट करते होंगे, क्योंकि 193 मेंबर एक ही घर से वोट जाना कोई कम बात नहीं है. तो ये फन फैक्ट है. और या वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इतनी दूर आया और मिला फैमिली से, इट्स इनक्रेडिबल. और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनकी फैमिली का नाम दर्ज है, जो बिगेस्ट फैमिली है इन द वर्ल्ड, इज़ द लार्जेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड. और या दिस इज़ बक्तोंग एंड सर जयोनाज हाउस. तो ये है बक्तोंग का प्लेग्राउंड एरिया, फील्ड कहें. अभी टूर्नामेंट चल रहा है फुटबॉल का, और क्या पता सर जयोन के ग्रैंड किड्स इसमें खेल रहे होंगे. फुटबॉल टूर्नामेंट, ओके. सो ये फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है, लोकल लोकल टूर्नामेंट, बक्तोंग टूर्नामेंट्स अभी चल रहा है. सो ये जो आप देख रहे हो, ये सर जयोनाज का स्कूल है, ये प्लेग्राउंड है, एरिया, फील्ड, और अभी लोकल बक्तोंग का मैच, ये उनका ही है, राइट? उनका ही है, लेकिन अभी वो बक्तोंग टाउन का टूर्नामेंट हो रहा है. ओके ओके, इधर 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 से. हेलो, इधर मैम. हेलो हेलो हेलो, आ इधर मैम. थैंक यू. फ्रॉम मध्य प्रदेश, एमपी, क्लो में. थैंक यू. सो पीपल आर वेरी फ्रेंडली ओवर हियर. और यहाँ बहुत कम ही टूरिस्ट आते हैं विजिट करने, बट आई थिंक शायद मिजो गवर्नमेंट इतना प्रमोट नहीं कर रही है, या फॉरेनर्स भी बहुत कम आते हैं, बट इट्स अ ग्रेट स्टेट. मैच को, और वो सामने आप देख रहे हो वो है हाउस, स्टूडेंट्स हाउस. हेलो सर, हेलो हेलो, हेलो, व्हाट्स योर नेम? लुनजामा. इधर मैम, लुनजामा. इधर मैम, इधर मैम. ओ दमे. हु? मी. दैट्स व्हाई एवरीवन स्टेयर्स मी. एवरी गर्ल स्टेयर्स ऑन मी. ये था बक्तोंग विलेज, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इधर पे, और अब मैं निकलता हूँ वापस आइजोल के लिए. Thank you.